हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कनिका की रसोई। तो आज हम आपको कनिका की रसोई में सिखाएंगे बचे हुए चावल से कुरकुरे बनाना, जो कि बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे। तो ये देखिए, ये कुरकुरे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी इन्हें बड़ी आसानी से घर पर बचे हुए चावल से बना सकती हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए आज हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं हमने कैसे बनाए हैं। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों से कुरकुरे। तो ये हमारे पास चावल रात को हमने बनाए थे, बच गए हैं। इससे हम कुरकुरे बना सकते हैं जो बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। ये जो चावल हैं हम इनको मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा ही पानी डाल देंगे और इसे मिक्सी जार में डालकर पीस देंगे। तो ये देखिए, हमने चावल को पीस लिया है। अब हम ये चावल एक बाउल में डाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे तीन से चार चम्मच बेसन। और ये हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर तो कॉर्नफ्लोर डालें, अगर हो सके तो, वरना आप मैदा भी डाल सकते हैं इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे इसका कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। अगर कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप नॉर्मल भी लाल मिर्च डाल सकते हैं। ये हमने आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च। और इसके स्वाद को और अच्छा करने के लिए हमने ये 1 पाउच मैगी मसाला डाला है। अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो आप इसमें ये पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, इससे इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। और ये 1/2 चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। नमक आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार डालें। और अब हम इस सारे मिक्सर को मिक्स कर देंगे अच्छे से। और हमने इसमें चावल पीसते समय 1/2 ग्लास पानी डाला है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, पर इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। हमने इसके जो पेस्ट बनाया है, इस पेस्ट को बनाने में हमने 1/2 गिलास ही पानी का इस्तेमाल किया है। और ये हमारा मिक्सर बनकर तैयार है। अब हम इसको रख देंगे और गैस पर कढ़ाई रख के कढ़ाई में तेल डाल देंगे। देखिए, हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। और ये कढ़ाई में हमने तेल भी रख दिया है गैस में। तो ये हमारे पास भुजिया बनाने वाला मेकर है। आप चाहें तो ये, जैसे कि आपके पास दूध की थैली होती है वो, या फिर छाछ की थैली हो वो, उसमें भी इस पेस्ट को डालकर आप बना सकते हैं। हमने ये इसमें बनाया है। ये भुजिया मेकर में स्टैंड आता है इसका साँचा, इसे इसमें सेट करेंगे और इसको इसमें लगाएंगे और इसे बंद कर लेंगे। और हम ये पेस्ट को इसमें डाल देंगे। हमने इसे भर लिया इसमें। अब हम ये इस ढक्कन को बंद कर देंगे। ये हमने ढक्कन को बंद कर लिया है। अब हम ये कढ़ाई में धीरे धीरे डालेंगे। गैस को हमें मीडियम ही रखना है।
जब ये थोड़े सीख जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। और अगर आप चाहें तो आपके पास अगर ऐसी एक कीप हो तो आप इस कीप में भी इसे भर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक का ढक्कन आगे से आता है, इसमें लगा दें। उसके बाद ये नोक लगा दें इसकी, नोज़ल, और इसे बंद कर दें। आप इसे दूध की पन्नी से भी बना सकते हैं। और अब हम ये पेस्ट इसके अंदर भर देंगे। ये थोड़े सीख गए हैं तो हम इन्हें एक तरफ से पलट देंगे। ये पेस्ट हमने इसमें भर लिया है और हम इसको अच्छे से नीचे से पुश कर देंगे और इसे ऊपर रबड़ लगा देंगे इसमें। ये बन चुके हैं तो अब हम इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे। और अब ये जो हमने नोजल इसमें कीप में रखे थे ये भी हम ऐसे ही इसमें डाल देंगे। कुरकुरे तो हमारे बनने वाले हैं। अब हम इसमें डालने के लिए मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए हमने ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, एक चौथाई चम्मच अमचूर पाउडर, और थोड़ा चाट मसाला। मसाले को हम सबको मिक्स कर लेंगे। और एक चुटकी हम इसमें काला नमक भी डालेंगे। भुना हुआ जीरा पुदीना, अब इन्हें भी हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे कुरकुरे बनकर तैयार हैं। आप भी ऐसे कुरकुरे घर में बना सकते हैं। तो अब ये जो हमने मसाला बनाया था हम ये इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमने मसाला मिक्स कर दिया और ये हमारे कुरकुरे बनकर तैयार हैं। आप भी ऐसे कुरकुरे घर में बना सकते हैं बचे हुए चावल से, और ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना कैसी बनी है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहेंगी।